इन साधनाओं में अनिष्ट का कोई भय नहीं। मंत्रों की साधना की एक विशेष विधि व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्मकांड के अनुसार मंत्रों का अनुष्ठान, साधन, पुरश्चरण करना होता है। आमतौर से अविधि पूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध होता है और लाभ के स्थान पर उससे अनिष्ट की संभावना रहती है। ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मंत्र की या किसी देवता की साधना अथवा कोई योगाभ्यास या तांत्रिक अनुष्ठान किया, साधना की नीति रीति में कोई भूल हो गई या किसी प्रकार अनुष्ठान खंडित हो गया तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। ऐसे प्रमाण इतिहास पुराणों में भी हैं। वित्र और इंद्र की कथा इसी प्रकार की है। वेद मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने पर उन्हें घातक संकट सहना पड़ा था। अन्य वेद मंत्रों की भांति गायत्री का भी शुद्ध सस्वर उच्चारण होना और विधि पूर्वक साधना करना उचित है। विधि पूर्वक किए हुए अनुष्ठान सदा शीघ्र सिद्ध होते हैं और उत्तम परिणाम उपस्थित करते हैं। इतना होते हुए भी वेद माता गायत्री में एक विशेषता है कि कोई भूल होने पर उनका हानिकारक फल नहीं होता। जिस प्रकार दयालु, उदार और बुद्धिमती माता अपने बालकों की सदा हित चिंतना करती है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति द्वारा भी साधक का हित ही संपादित होता है। माता के प्रति बालक गलतियां भी करते रहते हैं, उनके सम्मान में बालक से त्रुटि भी रह जाती है और कई बार तो वे उल्टा आचरण कर बैठते हैं। इतने पर भी माता न तो उनके प्रति दुर्भाव मन में लाती है और न उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाती है। जब साधारण माताएं इतनी दयालुता और क्षमा प्रदर्शित करती हैं तो जगत जननी वेद माता सद्गुणों की दिव्य सुरसरी गायत्री से और भी अधिक आशा की जा सकती है। वो अपने बालकों की अपने प्रति श्रद्धा भावना को देखकर प्रभावित हो जाती है। बालक की भक्ति भावना को देखकर माता का हृदय उमड़ पड़ता है, उसके वात्सल्य की अमृत निर्झरणी फूट पड़ती है, जिसके दिव्य प्रवाह में साधना की छोटी मोटी भूलें, कर्म कांड में अज्ञानवश हुई त्रुटियां तिनके के समान बह जाती हैं। सदुगुणी साधना का विपरीत फल न होने का विश्वास भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिखाया है। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्रीमद् भगवत गीता। अर्थात सत्कार्य के आरंभ का नाश नहीं होता, वो गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता है, उससे उल्टा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया हुआ कार्य असत हो जाए और उसका शुभ परिणाम न निकले। थोड़ा ही धर्म कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है। गायत्री साधना ऐसा ही सात्विक सत्कर्म है जिसे एक बार आरंभ कर दिया जाए तो मन की प्रवृत्तियां उस ओर अवश्य ही आकर्षित होती हैं और बीच में किसी प्रकार छूट जाए तो फिर भी समय समय पर बार बार उस साधक को पुनः आरंभ करने की इच्छा उठती रहती है। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद मिल जाता है तो बार बार उसे प्राप्त करने की इच्छा हुआ करती है। गायत्री ऐसा ही अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार बार मचलती है, बार बार चीख पुकार करती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाए तो उसका उल्टा परिणाम नहीं निकलता, किसी विपत्ति, संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। त्रुटियों का परिणाम ये हो सकता है कि आशा से कम फल मिले या अधिक से अधिक ये कि वो निष्फल चला जाए। इस साधना को किसी थोड़े से भी रूप में प्रारंभ कर देने से उसका फल हर दृष्टि से उत्तम होता है। उस फल के कारण उन भयों से मुक्ति मिल जाती है जो अन्य उपायों से बड़ी कठिनाइयों से हटाए या मिटाए जा सकते हैं। इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए भागवत के 12वें स्कंध में नारद जी ने भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज में कर सकें और
जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करे, क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्रायः आचार विचार, विधि विधान, त्याग तपस्या के कठिन नियम बताए गए हैं, जिनको सामान्य श्रेणी और थोड़ी विद्या बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। इस पर भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या न करे, पर एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। हे महामुनि, जो संध्या में अर्घ्य देते हैं और प्रतिदिन गायत्री का 3000 जप करते हैं, वे देवताओं द्वारा भी पूजने योग्य बन जाते हैं। जप करने से पहले उसका न्यास किया जाता है, क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देव जैसा बनकर देवों का यजन करना। परंतु किसी कठिनाई या प्रमाद से न्यास न कर सकें और सच्चिदानंद गायत्री का निष्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जप करता रहे तो भी पर्याप्त है। गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्राह्मण विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि के साथ स्पर्धा करता है। जो साधक नियमानुसार गायत्री की उपासना करता है वो उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कथानक से व्यतीत होता है कि इस युग में गायत्री की सात्विक और निष्काम साधना ही सर्वश्रेष्ठ है, उससे निश्चित रूप से आत्मकल्याण होता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को निर्भय मन से समस्त आशंकाओं एवं भय को छोड़कर गायत्री की उपासना करनी चाहिए। ये साधारण अस्त्र नहीं है जिसके लिए नियत भूमिका बांधे बिना काम न चले। मनुष्य यदि किसी छुट्टल वनचर जीवों को पकड़ना चाहे तो उसके लिए चतुरतापूर्ण उपायों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु बछड़ा अपनी माँ को पकड़ना चाहे तो उसे मातृभावना से माँ पुकार देना मात्र काफी होता है। गौ माता खड़ी हो जाती है, वात्सल्य के साथ बछड़े को चाटने लगती है और उसे अपने पयोधरों से दुग्ध पान कराने लगती है। आइए हम भी वेद माता को सच्चे अंतकरण से भक्ति भावना के साथ पुकारें और उसके अंतराल से निकला हुआ अमृत रस पान करें। हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन। अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहाँ तक बन पड़े पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए, पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिए कि किंचित मात्र भूल हो गई तो बुरा होगा। इस भय के कारण गायत्री साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि वेद माता अपने भक्तों की भक्ति भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती है और अज्ञान वश हुई छोटी मोटी भूलों को क्षमा कर देती है। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।